What's up guys? भाई पंजाब ने कल क्या कर दिया, मतलब अलग ही लेवल की बैटिंग कर दी। KKR भी लाइक हमें क्यों तोड़ा, अगर पहले खेलते तो 300 बना सकते थे, क्योंकि देखते हैं इतने बड़े स्कोर के को चेज करके बॉल भी मजे ही मजे। ओ माय गॉड, हाईएस्ट चेज इन आईपीएल हिस्ट्री। देखते पूरी वीडियो पहलू वाले भाई की है। 1 2 3 गो दोस्तों, ये आईपीएल की जरा तबीयत चेक कराओ, क्या हो रहा है ये सब। अब तो लोग मजे मजे में हर रोज 200 प्लस का टोटल बना देते हैं। चलो वहां तक भी ठीक था, बट अभी 261 जैसे टोटल चेज भी होने लग गए, और वो भी 8th पोजीशन पे बैठी पंजाब किंग्स चेज करके चली गई यार। और ये वही टीम है जो हर बार आखिरी ओवर में आके मैच भी हार जाते थे। इस मैच में तो ये चेज अनबिलीवेबल थी भाई, दिल जीता इन्होंने इस बारी। मैंने तो अपने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट में भी डाल दिया था। कुछ ही दिनों में पंजाब किंग्स इतनी बदल गई कि इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी आईपीएल का हाईएस्ट एवर टोटल चेज करके। भाई इस मैच में तो अपने लल्लू लाल जॉनी बेयर्स तो और शशांक सिंह ने हिस्ट्री क्रिएट करके रख दी है। मैं कहता हूँ प्रीति जी, अभी के अभी इनके लिए 5-5 प्लेट आलू के पराठे लगाए जाए। भैया पंजाब ने अपना कोड क्रैक कर लिया है। ये लोग हमेशा थ्रिलर मैचेस में आखिरी ओवर में आके हार जाते थे, तो इन्होंने इस बार क्या करा, सेकंड लास्ट ओवर में ही चेस को खत्म कर दिया, ताकि आखिरी ओवर तक बात ही ना पहुंचे और चौकी ना करना पड़े। भाई 8 बॉल छोड़ के 262 बना दिए इन लोगों ने। सोचो अगर ये फर्स्ट इनिंग्स में बैट कर रहे होते तो 300 पार था आज तो। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि भाई जिस तरह से प्रभसिमरन सिंह जैसे प्लेयर्स बैट करके गए हैं, ये टोटल तो 17 ओवर में ही चेज हो जाता। 8 बॉले तो छोड़ो, 8 विकेटों से भी जीते हैं ये, ज्यादा विकेट भी नहीं खोए इस प्रोसेस में। 3 दिन से आईपीएल में चमत्कार हो रहे हैं, पीक जैसा स्क्रिप्टिंग चल रही है। पहले डीसी ने जीटी को हरा दिया, उसके बाद आरसीबी ने एक टोटल डिफेंड कर लिया, और अब पंजाब भी आ गई है भाई गेम में। भाई मोटा भाई का कुछ नहीं कह सकते, टीआरपी के चक्कर में कई पॉइंट्स टेबल उल्टी करके रख दे। और भाई चलो ऐसी हाईवे पिचेस पे खेल के फॉर्म का वापस आना अपने इंडियन प्लेयर्स तक के लिए ठीक था, पर अब तो इस आईपीएल की वजह से पहले जॉस बटलर, फिर एंड्रे रसल, फिर मार्कस स्टोइनिस और अभी जॉनी बेयर्स का भी फॉर्म वापस आ गया। भाई कहीं 10 नवंबर भूल तो नहीं रहे हो तुम, उस दिन कुछ हुआ था 10 विकेटों से। इंग्लैंड वाले कोई हमारे अच्छे दोस्त नहीं है जो इनके प्लेयर्स फॉर्म में आ रहे हैं और हम खुशी मना रहे हैं। खैर एक आलू के पराठे की कीमत तुम क्या जानो, प्रीति के हाथ के बने इन्हीं पराठों की 10 प्लेट चाटने के चक्कर में अपने दाना जॉनी बेयर्स का भी फॉर्म वापस आ गया और सेंचुरी लगाई है बंदे ने। लेवल सबके निकले। और हाँ ठीक है भाई, तुम मेरे मुंह से जॉनी बेयर्स्टो की तारीफ सुन रहे हो, वही जॉनी बेयर्स्टो जिसको हम लल्लू लाल करके बुलाते हैं प्यार से, और बहुत ज्यादा ट्रोलिंग करते थे भाई की, बट क्या करे भाई, आज स्टेप अप करके दिखाया है, हम जैसे ट्रोलर्स का मुंह बंद कर दिया भाई ने। और वैसे भी भाई के नाम में ही जॉनी है, कितने दिन दूर रखोगे पहले। बुरा तो देखो लगता है यार जब अपने ही धोखा देने लग जाते हैं, सब धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किसको ट्रोल करूंगा, कैसे चलाऊंगा, व्यूज कैसे आएंगे, तो रहने दो। डाउनफॉल कैसा भी चलेगा, बस किस्मत पंजाब किंग्स वाली चाहिए। अगर डिसीजन मेकिंग में गलती से गलत फैसला ले भी लूं तो भी वो शशांक सिंह जैसा सही फैसला निकले, कोई डाउट नहीं है। इसने पूरा सीजन अपने कंधों पे पंजाब को कैरी किया है यार, एक बार देखो कैसी कैसी इनिंग्स खेली है इसने। और रहम नाम का शब्द तो लगता है इसकी डिक्शनरी में है ही नहीं यार, बॉलर्स की इज्जत ही नहीं करता है। 8 सिक्सेस लगा दिए इसने, बेचारे दुश्मनता चमीरा का केकेआर करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया भाई ने। ये कहां से गलत बाय लग रहा है मुझे नहीं पता भाई, मैं तो कहता हूँ गलती से इसको वर्ल्ड कप की स्क्वाड में भी सिलेक्ट कर ही लो। नहीं नहीं बट ऑनेस्टली बंदा बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहा है, अभी 20 लाख का है, सोचो अगले साल मेगा ऑक्शन में इसका प्राइस क्या जाने वाला है भाई, मजे ही आ जाएंगे। पंजाब वालों प्लीज इसको रिटेन करने की सोचना भी मत, इसको इसके डिजर्विंग प्राइस पे जाने दो अगले साल, आशुतोष को भी। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। क्या मस्त प्लान है? पता है मुझे समझ ये नहीं आया कि इस आईपीएल में 250 का रन इतनी बारी बन चुका है अब, और सिर्फ एक बार अभी तक पंजाब ने बनाया, चेज कर लिया इस मैच में, तो पता नहीं क्यों यहाँ पे लोगों ने वर्स्ट आईपीएल ट्रेंड करना शुरू कर दिया। ये सही है भाई, पंजाब बेचारी सालों में कभी एक बार इतनी अच्छी चेज करती है, इतना अच्छा टोटल बनाती है, तो तुम वर्स्ट आईपीएल बोल दो। और जब तुम्हारी एसआरएच दानवों की तरह सामने वाली टीम को 280-270 रन मार रही होती, तब कहते हो भाई बेस्ट आईपीएल, ट्रैविस हेड की सेंचुरी, अभिषेक शर्मा, वाओ भाई ये कैसी बात हो यार, पंजाब भी तो डिजर्व करती है। सोचो भाई कितना चेंज हो चुका है हमारा क्रिकेट, आज से 10-12 साल पहले ODIs में भी हमें 270 जैसा टोटल टफ लगता था, और अब T20s में भी कम पड़ने लग गए हैं। ये क्रिकेट में एवोल्यूशन के नाम पे बॉलर्स के करियर की दिन दिहाड़े हत्या हो रही है, और ये हर हफ्ते चलो आरसीबी का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, योजना कब खत्म होगी, वरना रिकॉर्ड तो जा ही चुका है, इस बार तो अब हाईएस्ट स्कोर की लिस्ट से भी बाहर हो जाते हैं। लेकिन आरसीबी फैंस चिंता मत करो, तुम्हारा रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, हाईएस्ट टोटल इन आईपीएल विदाउट इंपैक्ट प्लेयर का रिकॉर्ड अभी भी आरसीबी का है, ये कोई तोड़ के दिखाए तब मानेंगे ना। वैसे देखो जो वर्स्ट आईपीएल वाली बात ट्रेंड हो रही थी वो उतनी भी गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा है। देखो इतनी ज्यादा फ्लैट पिचेस बनाने के चक्कर में बैट्समैन तो रन मार रहे हैं, बड़े बड़े टोटल्स बन रहे हैं, चेज भी हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट मिल रहा है लोगों को, सिक्सेस पड़ रहे हैं इधर से उधर। तुम इस मैच का एग्जांपल ले लो, इस मैच में टोटल 42 सिक्सेस पड़े थे, यानी कि 40 ओवर के मैच में 42 सिक्सेस,
हर ओवर में एक सिक्स, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या ऐसी सेम पिचेस जब तुम बाहर वेस्ट इंडीज, यूएसए में भी वर्ल्ड कप खेलने जाओगे या कोई बायलैटरल सीरीज खेलने जाओगे किसी और कंट्री में, तो क्या वहां भी ऐसी पिचेस मिलेंगी तुम्हें? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन प्लेयर्स को हम इस आईपीएल के बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हैं वो वहां जाके थोड़ा बहुत एक्सपोज हो जाए, बिकॉज वहां पे डिफरेंट पिचेस होने वाली है और चैलेंजेस अलग होंगे। आई मीन तुम सुनील नारायण जैसा ही एग्जांपल ले लो, तुम्हें भी पता है कि वो कोई क्लासी बैट्समैन नहीं है या ही इज नॉट द बेस्ट टाइमर ऑफ द बॉल, ही जस्ट अ प्योर स्लॉगर जो कि बॉल देखता है और बल्ला घुमा देता है। इससे पहले तक वो अच्छा खेलता था आईपीएल में, बैटिंग अच्छी करता था, लेकिन सिर्फ पावर प्लेस में। अब वो पावर प्लेस के बावजूद भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, लंबे लंबे स्कोर्स बना रहा है, दैट जस्ट मींस कि उसको आउट करना मुश्किल हो रहा है, व्हिच मींस कि पिचेस उतनी अच्छी है ही नहीं बॉलर्स के लिए। और नहीं, मैं सुनील नारायण से क्रेडिट नहीं ले रहा हूं यहां पे, उसने बहुत ज्यादा अच्छा खेला है, मे बी उसने बहुत ज्यादा इंप्रूव भी किया है बैटिंग में, उस पे कॉन्फिडेंस भी दिखाया गया और इसीलिए वो ऑरेंज कैप की रेस में नंबर 2 पे बैठे। बट वी ऑल नो कि बाकी बैट्समैन के कंपैरिजन में ही इज जस्ट नॉट द टिपिकल बैट्समैन। ठीक है भाई, मैं इस पूरे लॉजिक में बहुत ज्यादा गलत हो सकता हूं, मैं मानने को तैयार हूं, बट स्टिल सवाल यहां पे यही आ जाता है कि जब हर बॉलर यहां पे 14, 15, 16 की इकोनॉमी से जाएगा तो तुम अच्छे बॉलर सिलेक्ट कैसे करोगे वर्ल्ड कप के लिए? ना ही कोई अपकमिंग प्लेयर बॉलर भी बनना चाहेगा, सब सोचेंगे भाई बैट्समैन बनते हैं क्योंकि उसी में फायदा है, सिक्सेस लगाएंगे। बॉलर बन गए तो भाई कॉन्फिडेंस टूटेगा और नंबर्स और खराब हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि भाई अगर इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो अपना खात्मा बहुत बुरी तरह होने वाला है, सही ज्यादा फंसते जाएंगे। ऊपर से इंपैक्ट प्लेयर जैसे खराब रूल्स की वजह से हमें आज तक एक अच्छा ऑलराउंडर नहीं मिल पाया हार्दिक के बाद। ठीक है, अब ज्यादा ज्ञान नहीं पेलूंगा, बस कंक्लूड करने के लिए इतना बोलूंगा कि एंटरटेनमेंट तो है, बढ़ रहा है, अच्छा मजा आ रहा है, लेकिन अब वो वाली बात नहीं रही आईपीएल में जो पहले हुआ करती थी। वो थ्रिल कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज की पंजाब वाली ये चीज बहुत स्पेशल है, बट इसी आईपीएल में इसको कोई ना कोई और तोड़ देगा, इनसे ऊपर, इनसे अच्छा खेलने वाली और टीम्स बैठी है, तो फिर ये स्पेशल कहां रही? भाई आरसीबी जैसी टीम ने 2013 जो टोटल बनाया था वो आज जाके टूटा है, अब वही टोटल्स बार बार टूट रहे हैं और सेम सीजन में टूट रहे हैं, बस माइंडलेस हिटिंग हो रही है और थ्रिल के नाम पे बॉलर्स के करियर बर्बाद हो रहे हैं। तो तुम मुझे ऑनेस्टली कमेंट्स बताना तुम इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो। वैसे मुझे एक चीज और जाननी है, शिखर धवन क्यों नहीं खेल रहा भाई पंजाब से? मतलब सब सही है ना मैनेजमेंट के साथ, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि अब बहुत ज्यादा मैचेस हो चुके हैं, जो बंदा मिस कर चुका है कोई अपडेट्स भी नहीं दे रहे हैं, बस बोल रखा है इंजर्ड है। किस बात की इंजरी, क्या इंजरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी को पता है तो भाई बता दो कमेंट्स में। ऊपर से रिंकू सिंह का क्या सीन है यार? भाई मुझे सही में डर लग रहा है, रिंकू को ढंग से क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे? उसको भी तो सिलेक्ट होना है वर्ल्ड कप के लिए। इस मैच में सबने सिक्सेस मारे हैं, हर बैट्समैन ने, सिर्फ रिंकू को छोड़ के। अरे श्रेयस अय्यर तक 2-2, 3-3 सिक्सेस लगा रहा है, वो भी शॉर्ट बॉल पे। पता नहीं रिंकू सिंह से क्या दुश्मनी केकेआर की मैनेजमेंट को। भाई मुझे तो ये विश्वास नहीं हो रहा कि पर्पल कैप कौन लेके बैठा है। अरे अपना पर्पल हर्षल पटेल, ये वही बंदा है ना जिसको हम लोग ट्रोल करते थे रोज की भाई ये क्या बॉलिंग कर रहा है, मैचेस हरवा रहा है, अपने साथ मत जोड़िए हमको। अलग है। मैं अकेला नहीं करता था, तुम भी करते थे, तुम्हें भी पता है भाई, तुमने भी बहुत मजाक उड़ाया है। इस बंदे के पास इस आईपीएल में जसप्रीत बुमराह से ज्यादा विकेट्स है। लेट दैट सिंक इन। हो गया भैया, हो गया है। आई एम सॉरी बाबू। केकेआर मुझे लगा काफी ज्यादा अच्छा खेली फर्स्ट इनिंग्स में, बहुत अच्छा टोटल पोस्ट करा उन्होंने अपनी तरफ से, बट फिर वही उनकी बॉलिंग उनको धोखा दे जाती है हर बार। पूरी केकेआर की बॉलिंग में सिर्फ एक सुनील नारायण था जिसको गौती भाई का थोड़ा बहुत डर था, बाकियों को फर्क ही नहीं पड़ा। मैच में तो पिट के आई है, गौती भाई से ड्रेसिंग रूम में अलग खा रहे होंगे। भाई मुझे तो विश्वास नहीं होता कि सॉल्ट जैसा प्लेयर एक तो दिल्ली ने रिलीज कर दिया और वो अनसोल्ड जाने वाला था इस ऑक्शन में। गौती भाई ने दिखा दिया है कि हीरे की पहचान सिर्फ उन्हें ही है, उसी तरह जैसे उन्होंने मिचेल स्टार्क को भी केकेआर की टीम के लिए चुना था। इंडिया में इसको बैक स्पैज़म बोला जाता है, पर अब देख लिया भाई केकेआर की बॉलिंग को मिचेल स्टार्क की जरूरत है। चाहे वो 3 ओवर में 50 रन ही खाता हो, लेकिन वो 52 नहीं खाता जिससे वो 2 रन से वो मैच जीत जाते हैं। आते हैं सुपर वीकेंड पे जहाँ पे दोनों दिन 2 डबल हेडर है। सैटरडे का पहला मैच है मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। मेरी प्रेडिक्शन है कि दिल्ली कैपिटल्स को ये मैच जीत जाना चाहिए। जेक फ्रेजर भाई को कैप्टन बना रहा हूं और हार्दिक भाई को वाइस कैप्टन। वैसे रोहित भाई दिल्ली आए हुए हैं और इनकी एक मीटिंग भी होने वाली है टीम सिलेक्ट करने के लिए वर्ल्ड कप की। तो आज आखिरी दिन है जब सारे प्लेयर्स अच्छा खेल सकते हैं और इंटरेस्टिंगली सारे विकेट कीपर्स का मैच भी आज हो रहा है। मतलब ईशान पंत, संजू, राहुल तो खेलने ही वाले हैं आज के दिन, तो कल डिसाइड हो जाएगा कौन सिलेक्ट होता है। ये सारी न्यूज मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूं, तो डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करके देख सकते हो। शाम का मैच लखनऊ वर्सेस राजस्थान में, आई एम प्रेडिक्टिंग राजस्थान आज जीत जाएगी और उनके आगे वो क्यू लग जाना चाहिए क्वालिफिकेशन का। अगर राजस्थान आज जीत गई तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? बाकी आप जब, यही मैं कहूंगा कि देखो स्कोर बन रहे हैं, 200 से ऊपर बन रहे हैं, मजा भी आ रहा है, हर एक चीज आ रही है। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें अब इतना एक्साइटिंग आईपीएल इसलिए लगता, वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि एक ही चीज को बार बार देखते जाते हो
और मुझे लगता है कि सीजन के स्टार्टिंग में हमेशा एक्साइटिंग लगता है, फिर बीच में थोड़ा सा बोरिंग लग जाता है क्योंकि रोज आप मैचेस देख रहे हो, तो वो भी एक फैक्टर होता है। बाकी मुझे तो मजा आ रहा है भैया आईपीएल में, अब की बार मजा आ रहा है क्योंकि टारगेट इतने बड़े बने हर एक चीज, और वो चेज भी हो जा रहे हैं, ये भी तो लग रहा है कि चेज भी नहीं तो आसपास वाले ही हो जा रहा है। बाकी भैया अब मुझे ऐसा लगता है कि फिर से टेबल हिलेगी क्योंकि अब केकेआर कल हार गई, लेकिन केकेआर का कुछ इतनी कोई दिक्कत नहीं है, वो 8 मैच में 10 पॉइंट लेके बैठी है, तो उसको तो 2 या 3 मैच जीत जाए वो तो पहुंच जाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत है आरसीबी की किस्मत पे, आरसीबी की किस्मत उनके हाथ में रहती ही नहीं है बेचारों के। कोशिश करी है अब उन्होंने जीतने की शुरू, लेकिन उससे पहले केकेआर को जीतना था, अब एक दो टीम और थी उनको सारे मैच, लेकिन केकेआर कल हार गई है, तो देखते हैं क्या होता है आगे, किस तरीके से उनकी कहानी बढ़ती है। बाकी शशांक क्या बैटिंग कर रहा है भैया, मजे आ गए, मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय टेक केयर।